गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू 18th लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। पिछली बार हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब बल्क डेंसिटी होती क्या है, तो पहले बल्क डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। द बल्क डेंसिटी और अ यूनिट वेट ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज मास ऑफ एग्रीगेट यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होता है एग्रीगेट का, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो वेट आएगा एग्रीगेट का, वो अपनी बल्क डेंसिटी होगी। अब वो उसको एक्सप्रेस किया जाता है केजी पर लीटर के द्वारा, तो इसको हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एग्रीगेट की वर्क सिटी पे, बल्क डेंसिटी पे, तो सबसे पहला है हाउ डेंसली द एग्रीगेट आर पैक्ड। किस तरीके से जो एग्रीगेट है वो एक दूसरे के साथ पैक्ड है और कौन सी जगह से निकले हैं, कितने डेंस हैं। फिर पार्टिकल साइज एंड शेप, उसका शेप एंड साइज। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, कौन से ग्रेड के एग्रीगेट हैं और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट। तो ये जो चार फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बल्क डेंसिटी को। द शेप ऑफ पार्टिकल ग्रेटली अफेक्ट द क्लोजनेस ऑफ द पैकिंग। जो शेप रहता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पैकिंग के अंदर। फॉर अ गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी द एंगुलर एग्रीगेट शो अ लोअर बल्क डेंसिटी। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी एंगुलर एग्रीगेट की, वो लो बल्क डेंसिटी शो करती है। फॉर कोर्स एग्रीगेट ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी अ हाई बल्क डेंसिटी इंडिकेट दैट देयर आर फ्यू वॉइड्स to be filled by sand and cement। जो कोर्स एग्रीगेट रहता है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हाई बल्क डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है, तो उस वो ये शो कर रहा है कि उसके अंदर बहुत ही कम वॉइड्स हैं जो कि फील्ड है सीमेंट और सैंड के द्वारा। ऑन वन ऑफ द अर्लियर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन make us a bulk density of aggregate, make use of bulk density of aggregate proportionally of concrete mix। जो mix design करते हैं हम concrete का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण property है और उसका bulk density का proportion बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरीके से कितनी bulk density है कोई भी concrete mix design के। The bulk density of aggregate determine the type of concrete for which it may be used। Aggregate की bulk density वो determine करती है कि किस तरीके का concrete बनेगा और किस तरीके की use के लिए वो concrete बनेगा। It can be used for judging the quality of aggregate। क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट को जांचने के लिए हम बल्क डेंसिटी का उपयोग करते हैं। द बल्क डेंसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रपोर्शन बाय वेट इनटू द प्रॉपर प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम। और जो बल्क डेंसिटी है वो इसलिए भी रिक्वायर्ड होती है, हम उसके जो प्रपोर्शन है उसको कन्वर्ट करते हैं उसके वेट के द्वारा उसके वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड एज डिस्क्राइब्ड इन IS कोड 2386 पार्ट 3 1963। जो बल्क डेंसिटी है एग्रीगेट की वो IS कोड 2386 के अंदर देके रखी गई है और उसके अंदर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। उसमें से ही एक टेबल हमने यहाँ पे आपको देख सकते हो, साइज ऑफ बल्क डेंसिटी टेस्ट कंटेनर ऑफ फॉर बल्क डेंसिटी टेस्ट के लिए हमने एक
टेबल वो वाइज फोन में से उठाया है. द साइज ऑफ कंटेनर फॉर मेजरिंग बल्क डेंसिटी इज शोन इन द ब्लू टेबल. अब साइज ऑफ लार्ज पार्टिकल्स 4.7 mm एंड अंडर. साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से नॉमिनल कैपेसिटी, इनसाइड डायमीटर, इनसाइड हाइट और मेटल थिकनेस डिसाइड करी गई है. 4.7 mm के और उसके अंडर के हमको एग्रीगेट का टेस्ट करना है. तो नॉमिनल उसकी कैपेसिटी 3 liter रहेगी बकेट की, कंटेनर की. इनसाइड डायमीटर कंटेनर का 15 रहेगा. इनसाइड हाइट उसकी 17 cm रहेगी और मेटल थिकनेस उसकी 3.15 रहेगी cm. वहीं अगर ओवर 4.75 to 40 mm अगर साइज ऑफ पार्टिकल है तो नॉमिनल कैपेसिटी उसकी 15 liter रहेगी. फिर इनसाइड डायमीटर उसका 25 रहेगा. उसकी इनसाइड की हाइट 30 cm रहेगी और मेटल जो थिकनेस रहेगा वो 4 mm रहेगा. अगर साइज ऑफ पार्टिकल ओवर 40 mm है तो उसका जो नॉमिनल कैपेसिटी वो 30 रहेगा. इनसाइड डायमीटर उसका 35 रहेगा. इनसाइड हाइट उसकी 31 रहेगी और मेटल थिकनेस कैपेसिटी उसकी 5 mm तक रहेगी. अब बल्क डेंसिटी का यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो. वेट ऑफ एग्रीगेट इन केजीज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन लीटर. ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाएगा, बल्क डेंसिटी मिल जाएगा. अब परसेंटेज ऑफ वॉइड निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट केजी पर लीटर के अंदर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 माइनस ये करेंगे अपन. बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अपन इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वॉइड मिल जाएगा अपन को. इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट शायद मैंने आपको दिखा चुका हूँ, वो इस तरीके का ही टेस्ट का इसके अंदर होता है. अब इसके बल्क डेंसिटी के बारे में अपन जान लेते हैं. फिल द कंटेनर इन 3 equal layer, 3 equal layer में कंटेनर को भर देना है. ईच लेयर बींग टैम्पेड विथ 25 stop बाय द बुलेट एंड टैम्पिंग रॉड. हर एक लेयर अपन वो 25 बार उसके ऊपर टैम्पिंग करनी है और अच्छी तरीके से टैम्पिंग करनी है, बुरी तरीके से नहीं करेंगे. 16 mm का डायमीटर एंड 60 cm लॉन्ग. अगर वो जो टैम्पिंग रॉड का जो डायमीटर रहेगा वो 16 mm का रहेगा और लंबाई उसकी 60 cm लॉन्ग रहेगी. द कंटेनर इज केयरफुली स्ट्रक ऑफ लेवल यूजिंग टैम्पिंग रॉड एंड स्ट्रेट एजेस. फिर बल्क डेंसिटी उसकी निकाली जाएगी. जो कंटेनर रहेगा उसको केयरफुली उसके अंदर स्टक किया जाएगा लेवल के टैम्पिंग रॉड के लेवल के द्वारा और स्ट्रेट एजेस पे उसको रखा जाएगा और उसके बाद हम उसकी बल्क डेंसिटी निकालेंगे. अगर अब बल्क डेंसिटी के लिए अपन को क्या चाहिए, ये सारी मटेरियल चाहिए और ऑब्जर्वेशन. वापस से ऑपरेटर्स दिखा रहा हूँ. विंग बैलेंस चाहिए अपन को वेट बैलेंस के लिए. फिर टैम्पिंग रॉड चाहिए, स्ट्रेट एज चाहिए, फाइन एग्रीगेट चाहिए, ऑब्जर्वेशन सीट चाहिए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन सीट जिस पर देखो बकेट मैंने बताया था, तीन बकेट यूज़ होगा, 3 liter, 15 liter और 38 liter के. ठीक है, 3 बकेट अपन यूज़ करेंगे. अब इसकी जो साइज़ ऑफ पार्टिकल है उसके हिसाब से अपन यूज़ करेंगे. जैसे कि 4.75 mm के एग्रीगेट रहेंगे तो अपन 3 liter का सिलेंड्रिकल मेटल मेज़र करेंगे. फिर अगर 4.75 to 40 mm का साइज़ है तो सिलेंड्रिकल मेटल में अपन 15 liter का यूज़ करेंगे. और पार्टिकल साइज 40 mm के अवब है तो अपन 30 liter का बकेट यूज़ करेंगे. सबसे पहले क्या करने का, अपन को खाली लीटर का वेट ले लेने का. ठीक है, खाली लीटर का वेट ले लिया, उसका रिकॉर्ड कर लिया 2.686 kg है. ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कर लेने का 2.686.
अब ये ना इसको पूरा एग्रीगेट के संग भर देने का अपन को, फाइन एग्रीगेट है ना ये, अच्छे तरीके से भर दो। ये 1/3 भर भर के इसको टैंपिंग करना होता है, ये भाई ने टैंपिंग नहीं किया, टैंपिंग करना ज़रूरी है। पूरा भर दिया ठीक है, इसके बाद हाँ ऐसे करके निकाल स्ट्रेट एज से निकाल। अब इसका भी वेट करेंगे अपन ठीक है, अब मेटल इसका वेट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका जो वेट आया था 6.878 आया, उसमें से अपन अपन ये जो मेटल का जो वेट है वो माइनस कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने क्वालिटी कितना वॉल्यूम है अपना इसका एग्रीगेट का, तो अपन वही करने वाले 6.868 में से माइनस कर देंगे अपन इसका 2.86 समथिंग था ना, देखो इसके अंदर भी वही लिखा है नेट लूज वेट ऑफ एग्रीगेट। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो कंबाइंड वेट ऑफ द मेटल मेजर एंड एग्रीगेट माइनस एम्प्टी वेट ऑफ मेटल मेजर ठीक है, अपने पास क्या आएगा 6.878 माइनस 2.686 आएगा ठीक है, तो अपने पास नेट लूज वेट आ गया किसका, एग्रीगेट का 4.192 का। अब लूज बल्क सेट डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, डिवाइडेड बाय 3 लीटर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लूज बल्क डेंसिटी आ जाएगा, जो अपना वेट आया ना उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन क्या कर रहे हैं 4.192 डिवाइडेड बाय 3, यानी जो अपना बकेट था ना लीटर का और 3 लीटर का बकेट उससे डिवाइड करा, अपना जो लूज नेट वो आया था ना वेट ऑफ एग्रीगेट उसको डिवाइड कर दिया अपन ने लीटर से, बकेट लीटर से ठीक है, तो अपने पास लूज बल्क डेंसिटी आ गई है ऑफ फाइन एग्रीगेट। अब इस तरीके से वापस से हम करेंगे एक और सेम रीडिंग लेंगे सेम पार्टी सेम सैंपल का और उसका एवरेज वेट निकाल के अपन फाइंड करेंगे। अच्छा मेरे से एक गलती हो गई, आप लोग सोचते मैंने वो उसमें बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो टैंपिंग नहीं करा उसने 25 ब्लोज नहीं मारे, वो जो हमने निकाला था वो नेट बल्क डेंसिटी निकाली थी, अब हम जो निकाल रहे हैं वो रॉडेड बल्क डेंसिटी निकालते हैं। अब रॉडेड के अंदर हम टैंपिंग यूज़ करते हैं ठीक है, वो विदाउट टैंपिंग अपन ने किया था, अब इसके अंदर टैंपिंग करेंगे तो क्या होगा, एयर वॉइड्स निकल जाएंगे, एयर पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो जगह और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा वेट ऑफ एग्रीगेट अपन को ज़्यादा मिलेंगे। देखो मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, जैसे कि रॉडेड बल्क डेंसिटी के अंदर सेम प्रोसेस है ठीक है, 3 लीटर की कैपेसिटी का बकेट ही यूज़ कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं 1/3 पहले एग्रीगेट इसके अंदर डाल देते हैं, अब इसको 25 बार टैंपिंग करेंगे राउंड, इसका जो नीचे का शेप रहेगा टैंपर का उसका राउंड शेप का रहेगा, उसके बाद 25 बार रॉड से टैंपिंग करेंगे, देखो इसे 25 बार टैंपिंग करा और फिर धीरे धीरे अपन 3 लेयर में इसको भर देंगे। इसको 3 लेयर में अगर आप भर देते हो फिर वापस से इसके अंदर टैंपिंग करनी है, वापस इसका वेट कर लेंगे, खाली उसका तो वेट अपने पास है ही 3 लीटर का, देखो आया कितना सारा वेट आया, डिफरेंस दिख रहे हो वेट का 7.472 आया वेट। अब उसको उसमें खाली कंटेनर्स की वेट में से माइनस करेंगे, देखो ठीक है इसमें से माइनस करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा 4.746 आ जाएगा केजी, नेट वेट ऑफ एग्रीगेट मिल गया अपन को। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 लीटर से, तो अपन को क्या मिल जाएगा, रॉडेड बल्क डेंसिटी मिल जाएगी, ये देखो रॉडेड बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 करेगी तो 1.582 मिल गई अपन को। वैसे ही अलग रीडिंग लेने का, 2 रीडिंग लेने का और दोनों रीडिंग लेने के बाद क्या करने का, उसका एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने का तो अपने पास क्या आ जाएगा, बल्क डेंसिटी आ जाएगा ठीक है। अब अपन को क्या निकालने का, परसेंटेज ऑफ वॉइड इन एग्रीगेट निकालना है ठीक है,
जी एस माइनस आर डिवाइडेड बाई जी एस इंटू 100 करेंगे तो अपने पास एयर वर्ड्स निकल जाएगा, जिसके अंदर जी एस क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है और आर क्या है लूज बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट है। ठीक है, इस फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 होती है अज्यूम कर लेने का। ठीक है, 2.60 माइनस 1.399 डिवाइडेड बाई 2.60 इंटू 100 करेंगे तो 46% ऑफ एयर वॉइड मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन एयर वॉइड फाइंड करते हैं। दोस्तों इस तरीके से अपन बल्क डेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, द जो कंटेनर के अंदर अपन जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल गाया और दिखाया उस तरीके से ही बल्क डेंसिटी फाइंड होती है। और अब मैं जो आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर कंटेंट। अब एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। मॉइस्चर कंटेंट यानी उसके अंदर कितना मॉइस्चर है और वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है एग्रीगेट, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल विच आर एंट्रेप्ड टू द रॉक ड्यू टू इट फॉर्मेशन माइन्यूट होल्स और कैविटी आर फॉर्म्ड इन इट इज नोन एज पोर्स। बहुत सही बात बोली है भाई ने क्या बात बोली है कि भाई जब रॉक का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर बनते बनते कभी कभार एयर एंट्रेप्ड उसके अंदर बंद जाती है एयर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे माइन्यूट होल उसके अंदर रह जाते हैं, जिसको अपन पोरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, द पोरस इन द एग्रीगेट वेरी इन द साइज ओवर अ वाइड रेंज। और जो पोरस है पोरस ऑफ एग्रीगेट है वो बहुत लार्ज वाइडली रेंज में वो अपन को मिलते हैं। द लार्ज बींग लार्ज एनफ टू बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप और इवन विथ अ नेकेड आई। इतने भी लार्ज होते हैं कि हम अपने आँखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। द पोरोसिटी ऑफ सम ऑफ कॉमनली यूज्ड रॉक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 20%। जो पोरोसिटी होती है कॉमनली रॉक पे यूज होती है वो 0 to 20% के बीच में अपन को मिलती है। सिंस द एग्रीगेट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ द कॉन्क्रीट। सही बात है, 70% कंसिस्ट करता है एग्रीगेट कॉन्क्रीट के अंदर, ये तो मैंने आपको चिक के पहले बता चुका हूँ। द पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल पोरोसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, अगर पोरोसिटी कॉन्क्रीट के अंदर होती है तो वो पोरोसिटी एग्रीगेट की पोरोसिटी कंट्रीब्यूट करेगी इसके अंदर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय एग्रीगेट व्हेन मर्ज्ड इन अ वाटर इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। जो परसेंटेज पानी का परसेंटेज जो एब्जॉर्ब कर ले एग्रीगेट वो जो वाटर इमर्ज बचेगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पानी के अंदर एग्रीगेट डाला, पहले पानी के पहले बकेट ले लिया, पानी का वेट निकाल लिया, उसके अंदर एग्रीगेट डाला, उसके बाद पानी का वेट निकाला, तो डिफरेंस मिलेगा मेरे को जो पानी का वेट बचा हुआ है उसका वेट में डिफरेंस आएगा, तो जो जितना डिफरेंस आया वो पानी एब्जॉर्ब हो गया एग्रीगेट के अंदर और उसको क्या बोलेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट बोलेंगे। क्लियर है, सिंपल है, मज़ा गया। ठीक है, फिर पोरोसिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट विल अफेक्ट द वाटर सीमेंट रेशियो एंड हैंस द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ये तो बहुत ही सही बात बोल दी इसने, जो पोरोसिटी है और एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट है ये दोनों चीज़ वाटर सीमेंट रेशियो पे बहुत गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से वर्केबिलिटी पे भी कॉन्क्रीट की असर आता है। ठीक है, ऑलरेडी अगर एग्रीगेट के अंदर होल रहेगा या वाटर एब्जॉर्प्शन पानी एग्रीगेट ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, श्रिंकेज होने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, लैक ऑफ वाटर हो जाएगा जिसकी वजह से सीमेंट श्रिंक करेगा और उसकी वजह से वर्केबिलिटी जो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी है वो ख़राब हो जाएगी। अब द पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट विल अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, जो पोरोसिटी है एग्रीगेट की वो अफेक्ट करती है ड्यूरेबिलिटी के लिए अफेक्ट करती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा एग्रीगेट कॉन्क्रीट। व्हेन द कॉन्क्रीट इज सब्जेक्ट टू फ्रीजिंग एंड थोइंग एंड ऑल्सो व्हेन द कॉन्क्रीट इज सब्जेक्टेड टू केमिकल एग्रेसिव लिक्विड अगर मिलता है या
कंक्रीट को हम स्लैब बनने में, अभी बनने में थ्रो या फ्रीजिंग करने में यूज़ करते हैं, तब ये जो पोरोसिटी जो वर्ड है हमें नुकसान कर सकता है। ठीक है, द एग्रीगेट विच इज़ सैचुरेटेड विथ वाटर बट कंटेन नो फ्री सरफेस मॉइस्चर इस टर्म द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। जो एग्रीगेट वो सैचुरेट हो जाते हैं पानी के अंदर और कंटेन करते हैं, वो कोई भी मॉइस्चर कंटेन नहीं करते, वो एग्रीगेट को अपन सैचुरेटेड सरफेस एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, जो सैचुरेट करते हैं पानी को और कोई भी मॉइस्चर कंटेन नहीं करते, वो एग्रीगेट को अपन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट बोलते हैं। इन प्रोपोर्शन द मटेरियल फॉर कंक्रीट इट इज ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट द एग्रीगेट आर सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई। जो भी कंक्रीट का मटेरियल के प्रोपोर्शन है वो हमेशा ग्रांटेड रखते हैं एग्रीगेट के लिए, वो या तो सैचुरेट रहे या तो सरफेस ड्राई रहे, वो ग्रांटेड परमिशन ग्रांटेड रहती है उसको एग्रीगेट को। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन है कंक्रीट का, वो एग्रीगेट के इसी ग्रांट पे चलता है कि वो सरफेस सैचुरेटेड रहे या सरफेस ड्राई रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कैलकुलेशन द रिलेटिव वेट ऑफ एग्रीगेट आर बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट एग्रीगेट आर सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई। ये एक एक सेंटेंस बार बार लिखने से वो चीज़ चेंज नहीं होती, इसके अंदर बार बार गलती से PPT के अंदर आ गया है सेंटेंस। अब सैचुरेटेड और सरफेस ड्राई कंडीशन मिक्स डिज़ाइन जो रहती है हमारे कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन, उसका रिलेटिव वेट ऑफ एग्रीगेट उस पर बहुत डिपेंड रहता है सैचुरेशन और सरफेस डिज़ाइन ड्राई का। क्योंकि अगर एग्रीगेट है ना, मॉइस्चर कंटेन नहीं है उसके अंदर, तो वो मिक्स डिज़ाइन के लिए अच्छा है। ठीक है, अब उसके अंदर होता क्या है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि अपन को एग्रीगेट सैचुरेटेड मिल जाए, या तो ऐसी रेनी कंडीशन रहती है कि मटेरियल एब्जॉर्ब करे हुए होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट रहता ही है उसके अंदर, या तो कहीं से गीले हुए होते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट अपन को उसके अंदर मिलता ही है। ठीक है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा सनलाइट हो और बहुत दिनों तक सनलाइट उसके ऊपर पड़ी रहे तो हो सकता है कि उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट निकल जाए। तो बहुत ही सारी कंडीशन डिपेंड रहती है सैचुरेशन एंड सरफेस ड्राई सरफेस के लिए, सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई के लिए। ठीक है, इफ द एग्रीगेट कंटेन फ्री सरफेस मॉइस्चर, बहुत फ्री कंटेन मॉइस्चर करता है एग्रीगेट, दे कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वाटर टू मिक्स एंड देयर बाय इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर ज़्यादा सरफेस उसकी ड्राई रहती है तो ऑफकोर्स वाटर सीमेंट रेशियो उसके अंदर ज़्यादा डलेगा। ठीक है, ऑन अदर हैंड एग्रीगेट्स आर ड्राई, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्स वाटर एंड देयर बाय अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। इफ द एग्रीगेट कंटेन फ्री सरफेस मॉइस्चर कंटेन करते हैं अगर एग्रीगेट, तो जो जो कंट्रीब्यूट करेंगे एक्स्ट्रा वाटर टू मिक्स एंड देयर बाय इंक्रीज द वाटर कंटेंट रेशियो। ठीक है, वही दूसरी जगह पे क्या होगा कि ड्राई जो एग्रीगेट रहेंगे वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से मिक्स डिज़ाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा वाटर कंटेंट की। ठीक है, बोथ दिस कंडीशंस आर हार्मफुल फॉर द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट, हैंस इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन बोथ फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फॉर फ्री मॉइस्चर so that water cement ratio is kept exactly as per the design। दोनों कंडीशन हार्मफुल रहती है क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर एग्रीगेट तो भी प्रॉब्लम रहेगा, और फ्री मॉइस्चर उसके अंदर तो भी प्रॉब्लम रहेगा। तो उसको देख के अच्छी तरीके से, ये पूरा ना अपना कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये कंडीशन थोड़ी देख के अपन को एग्रीगेट की लेनी पड़ती है। क्लियर, फिर द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एन एग्रीगेट इज डिस्क्राइब्ड इन IS कोड 2386 पार्ट 3 एंड 1963। जो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट है मेथड का, उसके अंदर उसके हिसाब से अगर एग्रीगेट का एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी देखा जाए तो IS कोड 2386 के अंदर देखे रखिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज इक्वल टू B माइनस C अपॉन C इंटू 100
मतलब सी यानी मास ऑफ ओवन ड्राई एग्रीगेट इन एयर, ठीक है, एंड मास ऑफ सेचूरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट इन एयर, ठीक है, मतलब ओवन के अंदर एग्रीगेट को करा क्या बोलते हैं ड्राई, और एक तो सेचूरेटेड ड्राई मतलब सेचूरेट करके रखा था, फिर उसको ड्राई करा इन एयर, मतलब पानी के अंदर डाल के रखा था अपन ने उसको, और उसको फिर सुखाया, माइनस ओवन के अंदर डाल के रखा था उसको बाहर सुखाया, डिवाइडेड ओवन के अंदर डाल के रखा था उसको उसको सुखा के अपन ने डिवाइड कर दिया इनटू 100 करेंगे तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। ये थोड़ा समझना मुश्किल है अभी जो मैंने बोला, और आप अगर ध्यान से अगर सुनोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है, बी क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड माइनस ओवन ड्राई डिवाइडेड बाई ओवन ड्राई इंटू 100, सिंपल, तो आपको मॉइस्चर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मिल जाएगा। नॉर्मली कोर्स एग्रीगेट एब्जॉर्ब करता है कितना, 0.5 to 1% ऑफ मॉइस्चर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट मॉइस्चर किया है एग्रीगेट के अंदर। अगर फ्री मॉइस्चर रहता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेन अगर फ्री मॉइस्चर रहता है और एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर रहता है तो इस तरीके से एयर ड्राई ऐसे रहेगा। आप यहाँ पे बोन ड्राई देख सकते हो, अंदर पानी जैसा लगेगा, और अगर पूरा फुल्ली ऑब्जर्व रहेगा तो पूरा पानी मतलब ब्लू कलर का पूरा दिखाया, ऊपर तक ब्लू कलर का रहेगा। अगर एयर ड्राइड रहेगा यानी ऊपर ऊपर से एयर ड्राई कर दिया है, अंदर से मॉइस्चर है अभी भी, इसके अंदर क्या है फ्री मॉइस्चर यानी पूरा मॉइस्चर अंदर सेचूरेटेड ही है, ठीक है, मॉइस्ट है ही, इन दोनों में फ़र्क है, समझो ना। ये सूखा एग्रीगेट, ये गीला एग्रीगेट, सिंपल। आज अपन यहाँ तक ही रखते हैं, कल नए टॉपिक पे नया डिस्कशन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।